दिलचस्प न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों आपको जानकारी दे दें कि सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले मामले में मुख्य आरोपी बीएसएफ के अधिकारी की एक बार फिर से जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले मामले के मुख्य आरोपी बीएसएफ अधिकारी की जमानत अर्जी को बुधवार को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने फिर से खारिज कर दिया है। पिछले साल अक्टूबर में इस मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद पांचवीं बार इस अर्जी को खारिज कर दिया गया है। जस्टिस संजय धर ने सीमा सुरक्षा बल कर्नैल सिंह की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि एक व्यक्ति जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्रों को लीक करने और बेचने में शामिल है, हजारों युवाओं के करियर के साथ खिलवाड़ करता है, आकांक्षी और कृत्य हत्या के अपराध से कहीं अधिक जघन्य है। हाईकोर्ट की सीनियर एडवोकेट मोनिका कोहली के इस तर्क को स्वीकार करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह मामले में आगे की जांच पूरी करे और यदि कोई आरोप पत्र है तो वह शीघ्रता से 3 महीने की अवधि में दाखिल करे। कोर्ट का रवैया काफी सख्त नजर आ रहा है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेलशन न्यूज।